चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक फैबुलस। या वी आर ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिक फैबुलस, क्योंकि बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं। इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पिछले चार पांच दिनों में, इनफैक्ट लास्ट तीन चार दिनों में मैंने कम से कम पांच या छह अनबॉक्सिंग डाल दिए हैं और जबरदस्त फोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में भी बहुत एक्साइटिंग फोन्स आने वाले हैं। यस, लेट्स स्टार्ट विद दैट। बट इसीलिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बट खबरों से चालू करते हैं। एक बात कहूँ आपसे, BGMI जो है ना, ये शायद बैन हो सकता है, ऐसे लग तो रहा है। अभी तक हुआ नहीं है, गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो क्राफ्टन है, पेरेंट कंपनी है जो BGMI की, वो बेसिकली डेटा को मिसयूज़ कर रहा है और उसकी वजह से ये साइबर अटैक्स के लिए यूज़ हो सकता है, सर्वेलेंस या फिर साइबर अटैक्स के लिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है, रिकमेंड किया हुआ है क्राफ्टन को कि भाई आप जो भी इश्यूज वगैरह वो सॉल्व कर दीजिए या फिर BGMI को बंद कर दीजिए, वरना हमें बैन करना होगा। BGMI के प्लेयर्स कितने हैं हमारे फॉलोअर्स में से, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, BGMI बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डू लेट अस नो। चलिए बात करते हैं नए लॉन्चेस के बारे में। Xiaomi 14 सीरीज लॉन्च हो गई है दोस्तों। अब Xiaomi 14 एंड Xiaomi 14 अल्ट्रा दोनों के वीडियो लाइव कर दिए हमने, जरूर जाके देखिएगा। शायद अल्ट्रा का इंडिया में हमने ही किया हुआ है, चाइना से मंगा के फोन। बट आई टेल यू व्हाट, दोनों भी फोन्स जबरदस्त कैमरा सेंट्रिक फोन्स है, जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस है। बट द हाईलाइट इज कैमरा। आप Xiaomi 14 का देखिए या Xiaomi 14 अल्ट्रा का देखिए, Xiaomi 14 अल्ट्रा तो भाई DSLR से भी जबरदस्त लग रहा है, इट इज क्रेजी। प्राइस जो है, जो Xiaomi 14 है उसकी 69999 आई हुई है एंड 99999 अल्ट्रा की आई हुई है फॉर 16512 वेरिएंट। ओवरऑल इवन एट दैट प्राइस, आई थिंक अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो सीरियसली आपने Xiaomi 14 सीरीज के पास देखना चाहिए। और एक फोन दोस्तों जिसके बारे में बहुत ज्यादा बज थी, नथिंग फोन 2A इंडिया में लॉन्च हो गया है। 6.7 इंच 120Hz AMOLED Dimensity 7200 Pro, जबरदस्त परफॉर्मिंग फोन है, क्लीन UI है, 50+50 मेगापिक्सल के पीछे की तरफ कैमराज है, 45 वॉट चार्जिंग है, सब कुछ है। और प्राइस 23999 फॉर 8128 वेरिएंट, 8256 के लिए 25999। 12 मार्च को आप अगर खरीदते हो विद एक्सचेंज कुछ 19999 अंडर 20,000 मिल रहा है, फॉर दैट प्राइस इट इज अ स्टील। Vivo V30 सीरीज भी इंडिया में लॉन्च हो गई है। जी हाँ, यही सब फोन्स के बारे में बात कर रहा था। सब जो भी वीडियोस है सबके अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन हमने लाइव कर दिए, तो जरूर जाके देखिएगा। अच्छा फोन है दोस्तों, 8128 के लिए 33999 है। इसमें भी 50+50+50 मेगापिक्सल, 50 सेल्फी एंड 50-50 ऐसे है। अगर V30 Pro के बारे में बात करूं तो 50+50+50+50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ज़ाइस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके ये कैमरा लाए हुए हैं, जबरदस्त कैमरा, मतलब कैमरा स्मार्टफोन लाया हुआ है। 41999 फॉर 8256 वेरिएंट। जी हाँ, 80 वॉट चार्जिंग भी है, जबरदस्त फोन है, अगेन कैमरा सेंट्रिक। बहुत सारे कैमरा सेंट्रिक फोन पिछले कुछ दिनों में लॉन्च हुए एंड आई एम एक्साइटेड। वैसे ही दोस्तों Realme 12 एंड 12 प्लस भी आ गए, 12 प्लस एंड Realme 12 भी कैमरा हाईलाइट है इस प्राइस रेंज में। जी हाँ, जो Realme 12 है उसकी प्राइस 16999 आई हुई है, 17000 फॉर 6128 वेरिएंट। ये Dimensity 6100 प्रोसेसर पे आता है। 12 प्लस के बारे में बात करूँ तो ये Dimensity 7050 पे है और इसकी प्राइस 8128 वेरिएंट के लिए 20999 आई हुई है। लेकिन इसका जो प्राइमरी सेंसर है Realme 12 प्लस का, वो है 50 मेगापिक्सल का LYT 600 सेंसर, सो सोनी का सेंसर है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। तो कैमरा के मामले में इवन बाकी के स्पेक्स आप देखोगे तो जबरदस्त है, क्योंकि 67 वॉट चार्जिंग भी है एंड फॉर 20-21,000 आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डील। चलिए ये तो फोन्स लॉन्च हो गए, आने वाले भी फोन्स बहुत सारे, इसलिए मैंने सब्सक्राइब करने को कहा दोस्तों। इसके भी वीडियोस बहुत जल्दी आ रहे हैं, गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी A35 ये लॉन्च होने वाले हैं मार्च 11th को। एक्सिनोस 1380 पे है एंड A55 के बारे में बात करूं तो 1480 पे है। 50+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा A35 में होने वाला है, 50+12+5 मेगापिक्सल कैमरा A55 में होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी एंड 25W का चार्जिंग होने वाला है। प्राइस क्या आएगी ये देखेंगे, बट या A55 A35 लॉन्चिंग सून। चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। OnePlus 13 October 2024 में लॉन्च होने वाला है। ये 8th Gen 4 इस ऑब्वियसली जो नंबर सीरीज फ्लैगशिप सीरीज होती है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिपसेट होते हैं उसी पे होने वाला है। तो OnePlus 13 जो है ऑब्वियसली 8th Gen 4 पे होगा एंड वर्टिकल लेआउट होने वाला है कैमरा का। तो कैमरा का जो पीछे का डिजाइन है वो थोड़ा चेंज होने वाला है। Realme GT Neo सीरीज जो है दोस्तों, ये 7+Gen 3 एंड 8S Gen 3 इस चिपसेट पे लॉन्च होने वाली इंडिया में, शायद अगले 1-1.5 महीने में लॉन्च होने वाला है। जबरदस्त है, अगेन परफॉर्मेंस जो GT सीरीज है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे फोकस करती है, बट डिस्प्ले भी इसका अच्छा होने वाला है। 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले होने वाला है, 100 वॉट चार्जिंग होने वाली है। ये पहले चाइना में ऑब्वियसली लॉन्च होगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा। चाइना में उसकी प्राइस कही जा रही है 2000 यूआन, मतलब 30,000-40,000 के करीब होने वाला है।
Let's wait and watch. Poco X6 Neo India का launch जो है वो confirm हो गया है. Yes. And एक बात कहूँ, ये mid range तो नहीं मैं कहूँगा, lower mid range इस price range में होने वाले, 15,000, 18,000, 16,000 इस price range में होने वाले. And अच्छा है. क्यों? क्योंकि OLED display 120 Hz का है, Dimensity 6080 5G processor है, 108 megapixel का camera है, and 33 watt charging है. और ये अगर 15,000 तक आता है तो looks good. And Poco का है तो yeah, it is going to be value for money. Alright, OnePlus Ace 3V के renders leak हो गए. Basically जो India में Nord के branding के नीचे आते हैं, तो Nord 4 नहीं होगा. 4 ये unlucky number होता है Chinese लोगों के लिए, तो Nord 4 नहीं, Nord 5 जो होगा वो basically OnePlus Ace 3V है. और उसके renders आ गए हैं. Alert slider left hand side में दिख रहा है. 7+ Gen 3 processor होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, अगेन 100 वॉट चार्जिंग, बट 5,500 mAh की बैटरी होने वाली है. दैट इज नॉट गोइंग टू बी नॉट 5. यस. वैसे इन्फिनिक्स का जो नोट 40 प्रो प्लस, ये जो है दोस्तों, इसके रिटेल बॉक्स पे पता चल रहा है कि एक तो वायर्ड बहुत फास्ट चार्जिंग होने वाली है, एंड मैक चार्ज वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करने वाला है. वायर्ड कुछ 100 वॉट का होगा, एंड वायरलेस चार्जिंग शायद 30, 40 वॉट या 50 वॉट तक भी हो सकता है. कर्व्ड एजेस होने वाले हैं, एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, NFC होने वाला है. सो यार, नोट 40 प्रो प्लस इज लुकिंग गुड. धीरे धीरे ये जो इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो है ना, ये भी प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छे फोन लॉन्च कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. वैसे बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली हमारे लिए, वीडियो क्रिएटर्स के लिए. निकॉन पता है आपको, और रेड भी पता है, रेड के कैमरास या वीडियोग्राफी के लिए जबरदस्त माने जाते हैं. अब निकॉन ने रेड को अक्वायर कर लिया है फॉर प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग. मतलब जबरदस्त. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस पार्टनरशिप, पूछेगा मत. शायद यू नो, जो भी वो अब लॉन्च करेंगे नए डिवाइसेस, जो भी रेड की टेक्नोलॉजी है, एंड निकॉन की लीगेसी जो है 30, 40, 50, 60 साल की, वो सब साथ में आने वाला है. सो टेक्नोलॉजी एज वेल, एंड निकॉन की जो प्रोवेस है वो भी आएगी. तो जो भी कैमराज निकलने वाले हैं वो जबरदस्त है. शायद हम सोनी, अभी हम सोनी कैमराज इस्तेमाल करते हैं, वी विल प्रोबेबली मूव टू यू नो, आई डोंट नो, निकॉन रेड, जो भी कॉम्बिनेशन होने वाला है. बट इधर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसे होता है. बट दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर वीडियोग्राफी वर्ल्ड. निकॉन एंड रेड पार्टनरशिप इज बिग. चलिए, वक्त होता है अब रैपिड फायर का दोस्तों. एप्पल मैकबुक एयर M3 13 इंच एंड 15 इंच लॉन्च हो गया है इंडिया में. 1,15,000 की प्राइस है, 1,75,000 की प्राइस है. अगर 15 इंच के बारे में बात करूं, M13 जो है 1,15,000 का है. पोको ने एयरटेल के साथ पोको M6 5G के लिए पार्टनरशिप कर दी है, एंड इसकी प्राइस अब 8,799 बेसिकली हो गई है फ्लिपकार्ट के ऊपर. द मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन इन इंडिया. वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चक्सू पोर्टल जो है ये लॉन्च कर दिया है. आपको अगर साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो इमीडिएटली आप चक्सू से आप कर पाओगे. वैसे चक्सू का मीनिंग क्या होता है ये नीचे कमेंट में जरूर बताएगा. Let's find out चक्षु का मीनिंग कितने लोगों को पता है. वैसे एप्पल एक 20.3 इंच के फोल्डेबल मैकबुक पे काम कर रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा है. आने वाला है 2027 में. ज्यादा बात नहीं कर देंगे क्योंकि कार का पिछले 3 साल से बात कर रहे थे, शेल्फ कर दिया. शायद ये 20.3 इंच का फोल्डेबल मैकबुक है ना, वो भी शेल्फ कर दे 1-2 साल के बाद. यू नेवर नो, लेट्स सी. चलिए दोस्तों, इसी के साथ होती है आज की खबरें खत्म. कैसी लगी आज की खबरें? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी होगा, फीडबैक होगा, और कुछ हमने इंक्लूड करना चाहिए इस न्यूज में जरूर बताएगा. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.